हेलो डियर, वेलकम अंस अगेन। जय हिंद, नमस्कार। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे आप, और अध्ययन भी बहुत अच्छा चल रहा होगा आपका। आज उसी सेशन में, उसी सीरीज में हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टैटिक्स का, स्थिति विज्ञान का, इक्विलिब्रियम, बलों का संतुलन, मतलब साम्यावस्था, जिसको हम साम्यावस्था कहेंगे, संतुलन में होंगे। जैसे अगर कोई चीज़ को हम लेते हैं, तो अगर ऐसे मान के चलिए रॉड में ऐसे रखना चाहें, तो अगर बैलेंस में होगी तो सीधे बनी रहेगी ऐसी। तो संतुलन की अवस्था, दो तीन बलों का, दो बलों का, उनका वियोजित भाग, परिणामी बल, ये सभी कुछ आप पूरी थ्योरी पढ़ चुके हैं, मैं बता भी चुका हूं आपको। अब आज नंबर है क्वेश्चन करने का, ठीक है ना? क्वेश्चन अब जितना भी आप पढ़ें उन सभी पे रिलेटेड क्वेश्चन, जिस तरीके से एग्जाम में आए हैं क्वेश्चन, वो सभी क्वेश्चन हमें करना है, ठीक है ना? तो रेडी हो जाइए नेक्स्ट क्लास में। उसमें पहले मैं थोड़ा सा एक चीज और आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने आपको बताया था कि किसी भी एक बल का, एक परिणामी का, एक बल का दो लंबवत दिशाओं में वियोजित भाग क्या होता है? रिजॉल्व पार्ट, ठीक है ना? आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा। तो उसी तरीके से अगर एक ही बिंदु पर बहुत सारे बल लग जाए और सभी बलों का हमें रिजल्टेंट निकालना है, तो फिर सभी बलों का पहले हम रिजॉल्व पार्ट निकालेंगे और इसके बाद फिर उनको स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, तो हमारे पास वो वैल्यू आ जाएगी। तो अब अगली हेडिंग होगी इसमें से, डियर, आज की हेडिंग के अकॉर्डिंग पहले ये मैं लिखा देता हूँ, फिर इसके बाद आते हैं फिर हम लोग दूसरे पर। रिजल्टेंट ऑफ मोर देन थ्री फोर्सेस, ज्यादा होंगे उससे, ठीक है ना? मोर देन थ्री फोर्सेस, या थ्री ही हो जाए तो भी थ्री फोर्सेस, ठीक है ना? मैं ये भी लिख देता हूँ, थ्री आर मोर देन थ्री, ठीक, तीन या फिर तीन से ज्यादा, ठीक है? तो यहां पर अब आ जाइए, सपोज करिए कि यहां पर बहुत सारे बल लगे हुए हैं, ये ढेर सारे बल लगे हैं यहाँ पर, ये हो गया, फिर सपोज करिए ये है, फिर ये हो गया, फिर ये हो गया, ऐसे लगे हुए हैं। तो इस डायरेक्शन में तो x होगा, इस डायरेक्शन में y होगा। अब आप ये मान के चलिए कि ये थीटा वन है, ये थीटा टू हो गया, ये थीटा थ्री हो जाएगा, और ये डैश डैश कर दिया जाए, सपोज करिए कि थीटा एन हो गया, थीटा एन हो गया, ये सपोज करिए कि एफ वन है, ये एफ टू हो गया, ये एफ थ्री हो गया। अब डैश डैश करके मान लेते हैं कि ये एफ एन हो गया। तो इफ रिजॉल्व्ड पार्ट ऑफ फोर्सेस इज कैपिटल एक्स, अब कैपिटल एक्स हम मान लेते हैं कि रिजॉल्व पार्ट हो गया, कैपिटल एक्स इसका रिजॉल्व पार्ट है, वियोजित भाग, मतलब एक बिंदु पर बहुत सारे बल लगे हुए हैं, उन सभी बलों का एक्स दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज दिशा में वियोजित भाग क्या होगा? तो पहले में आ जाइए, ये हो गया एफ वन कॉस थीटा वन, एफ टू कॉस थीटा टू, एफ थ्री कॉस थीटा थ्री, डैश डैश प्लस एफ एन कॉस थीटा एन, ये हो जाएगा डियर। फिर इसी में दूसरे में आ जाइए, इफ, ठीक है ना, रिजॉल्व पार्ट ऑफ फोर्सेस, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, अलोंग एक्स एक्सिस, ये हो गया, यहां पर है रिजॉल्व पार्ट, पार्ट ऑफ फोर्सेस अलोंग वाई एक्सेस। तो वाई एक्सेस में हो गया डियर ये वाई, कैपिटल वाई लेट कर लीजिए। अब आपको पता है कि जब दो हॉरिजॉन्टल लाइन में हम निकालते हैं रिजॉल्व पार्ट, तो क्या होता है,
हॉरिजॉन्टल लाइन में जब रिजॉल्व पार्ट निकालते हैं तो ये वाला होता है क्या, ये वाला आर कॉस थीटा, अगर हम वैसे निकालते हैं तो इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में जब हम निकालते हैं तो आर साइन थीटा होता है, ठीक है ना। तो वही बात यहाँ पर आ गई, तो ये हो जाएगा एफ वन कॉस थीटा की जगह पर साइन थीटा वन प्लस एफ टू साइन थीटा टू प्लस एफ थ्री, डेड डैश कर दीजिए इसको, एफ एन साइन थीटा एन, ये हो जाएगा, ठीक है ना। रिजॉल्व पार्ट एक्स और रिजॉल्व पार्ट वाई आ गया। जब ये दोनों आ गए तो फिर आपको निकालना है रिजल्टेंट, देन रिजल्टेंट यानी परिणामी, रिजल्टेंट आर इक्वल टू हो जाएगा आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इससे आपको रिजल्टेंट निकाल लेना, ये ध्यान रखिएगा। इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं, यानी जितना कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया आपको दो लेक्चर में से, सबसे ज्यादा आने वाला कॉन्सेप्ट है, सबसे ज्यादा आने वाले क्वेश्चन और भी हैं स्टैटिक्स के बहुत सारे टॉपिक, लेकिन सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से आएगा। जैसे कॉमन कैटेगरी का एक क्वेश्चन आ जाता है, पीजीटी में आएगा, टीजीटी में नहीं, ठीक है ना। सेंटर ऑफ ग्रेविटी का क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी दोनों में आता है, तो एक और दो क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन इस वाले क्वेश्चन से सबसे ज्यादा आएगा। और इसके बाद जो है कंपैक्ट ऑफ बाजी जो है इंपैक्ट बॉडीज यानी बॉडीज पिंडों का संघट यानी प्रत्यास्थ पिंडों का संघट, वो भी डायरेक्ट इंपैक्ट है, डायरेक्ट इंपैक्ट की बात है, जो है पब्लिक इंपैक्ट नहीं आता है, वो टीजीटी पीजीटी में नहीं है, मतलब स्टैटिक्स और डायनामिक्स जो है ये दोनों के दोनों मैकेनिक्स के पार्ट हैं पूरे अभियांत्रिकी के, जो बहुत बड़ा पोर्शन है वो, ठीक ना। तो सब नहीं आने वाला है, लेकिन दो लेक्चर में आपको पढ़ाया है उनको पूरा तैयार और लेक्चर टू, अगर वो दोनों पढ़ करके फिर आप कर रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा आपको रखा रखा मिलेगा वो। अब यहाँ से क्वेश्चन पहले हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन में ये देखिए लिखा हुआ है, अभी जो आपने पढ़ा सेम वही चीज कि पी टू पी थ्री पी संभाव त्रिभुज की भुजाओं ए बी बी सी सी ए के अनुदिश लगे, ठीक है ना। तो परिणामी बल क्या होगा उनका, तो ट्रायंगल के अकॉर्डिंग अगर लगे हैं तो ट्रायंगल में आपको पता है कि 60 डिग्री ही बनता है, तो अगर ये हो गया ट्रायंगल यहाँ पर, अब इसके अलोंग लगा हुआ है, तो इसके अलोंग का मतलब है, ध्यान से समझिएगा, इसका मतलब ये है कि इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा होगा, ठीक है ना, दूसरा ये लगा है, यानी एक एक्स एक्सिस के अलोंग ही चला गया, एक तो एक्स एक्सिस के अलोंग ही चला गया, इसने कहा भी है कि ए बी, तो हम इसी को ए बी मान लेते हैं, ठीक है ना, इसी को ए बी मान लेते हैं डियर, और ये सी, और दूसरा बी सी में हो गया, तो इधर की तरफ लगा हुआ है टू पी यानी पी, इसका डायरेक्शन यही है, यहां भी मान सकते हैं आप, इसके डायरेक्शन में आ गया तो ये टू पी लगा हुआ है। अब इसकी डायरेक्शन ऐसी है ए बी बी सी सी ए, इसके लिए फिर आप यहां से खींच दीजिए, यहां से ऐसे जाने दीजिए आप इसको, उसी के पैरालेल ही जाने दीजिए, आपको नजर भी आ रहा होगा पैरालेल, ठीक है ना। एक तो मैंने वही बना दिया, एक ये देखिए इसके पैरालेल ही चला गया ये, तो ये डायरेक्शन 3P हो गया। अब आप क्या करिए, अब जरा वर्टिकल लाइन भी तो खींच दीजिए, वर्टिकल लाइन ये हो गई, ये वर्टिकल लाइन हो गई। अब आपको तीनों का निकालना है, तीनों का वियोजित भाग आपको निकाल लेना है। अब इसको मान के चलिए कि ओरिजिन जैसा है, तो ये देखिए ये एंगल 60 है, ये एंगल 60 है, ठीक है ना, ये P है, तो जरा ध्यान से देखिए, ये तो x एक्सिस के डायरेक्शन में हो गया, ये वाला P है डियर, तो ये तो x एक्सिस के डायरेक्शन में ही हो गया ना। तो अगर P का P की ही दिशा में डायरेक्शन अगर हम निकालेंगे तो P cos 0 एंगल हो गया, तो P ही आएगा, लेकिन जब इस डायरेक्शन में निकालेंगे इसका तो P sin 0 हो जाएगा, तो ये 0 आ जाएगा, मतलब बल P का x अक्ष में वियोजित भाग और y अक्ष में यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में, दो लंबवत दिशाओं में निकालना है हमें, तो क्षैतिज दिशा में भाग तो इसका cos 0 क्यों। अब आप ये कहेंगे सर आपने इसको ऐसा क्यों ले लिया, आप भी इसको किस एंगल पे ले लेते, तो क्वेश्चन को जब फंसाना हो तो जैसे ले लीजिए, फिर आपको वो थीटा मान के चलना पड़ेगा, थीटा में फिर 60 ऐड करेंगे तब निकलेगा वो, इतना बवाल क्यों करेंगे यार, सीधा सीधा आप जो है इस AB को आप सीधे एक डायरेक्शन में ही मान लीजिए ना, AB को आप सीधे एक डायरेक्शन में ही मान करके चलिए कि ये x एक्सिस में ही हो गया,
तो इसका जब एक्स एक्सिस में है भाग तो वही रहेगा, बदलेगा नहीं कुछ, दूसरे में जीरो हो जाता है हमेशा होगा। अब इसके बाद दूसरे में आ जाइए, तो ये एंगल बन रहा है 2p, ये 60 डिग्री बन रहा है। अब इसका वियोजित भाग उल्टा हो जा रहा है, ये देखिए इस वाले का हम जो है एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो इधर 60 है, तो जब 60 में 2p का 60 में ले रहे हैं यहाँ, तो ये बन जाएगा -2p cos 60, ये हो जाएगा ठीक, -2p cos 60 ये बन जाएगा। जब इसका इस डायरेक्शन में लेंगे तो ये पॉजिटिव जा रहा है, तो 2p sin 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा। क्लियर है ना, बिल्कुल बेसिक चीज है, कुछ सोचना नहीं आपको। ये 60 डिग्री एक्स एक्सिस से बना रहा है, तो इसका एक्स दिशा में अगर उधर होता तो उधर पॉजिटिव में, इधर नेगेटिव है तो नेगेटिव में हो गया, बस नेगेटिव में माइनस जरूर ले लीजिए, ध्यान रखिए गलती ना होने पाए। अब 3p वाले में आ जाइए, तो जब 3p की बात हम करेंगे तो 3p ये देखिए, 3p यहां से 60 डिग्री बना रहा है, तो इस डायरेक्शन में इसका वियोजित भाग 3p का -3p cos 60 हो जाएगा ये भी, और इस डायरेक्शन में भी -3p sin 60 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये इस डायरेक्शन में ले रहे हैं हम, तो एक्स एक्सिस में निगेटिव ही जा रहा है ना, क्योंकि डायरेक्शन इसकी ऐसी है तो ऐसी ही होगी, इसकी ऐसी है तो ऐसे ही जाएगा, इधर होता तो इधर चला जाता, और वाई एक्सिस इसका नीचे की ओर हो जा रहा है, इसलिए ये दोनों माइनस हो जा रहे हैं, ठीक है ना, बस सिंपल सा। अब इसके बाद एक्स निकाल लीजिए, तो पहला तो पी हो गया, फिर पहले यहाँ पर एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में लेना है तीनों का, तो पहला तो पी हो गया ये, दूसरे का एक्स एक्सिस में -2p cos 60, तीसरा भी माइनस में है -3p cos 60, ये हो गया। और वाई का कर लीजिए, तो वाई का पहला तो जीरो हो गया, ये देखिए ये पहला जीरो है, ठीक है ना, समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि मैंने ऐसा डायग्राम बनाया है कि जिसमें सोचने के लिए आपको कुछ पड़े ना, जिधर हो रहा है उधर ही उसका रिजल्ट पार्ट निकाल लीजिए। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कर दीजिए, नेगेटिव एक्स एक्सिस में जा रहा है तो नेगेटिव में कर लीजिए, बस नेगेटिव ले लीजिए, और वाई में नेगेटिव की तरफ जा रहा है तो वाई नेगेटिव ले लीजिए, तो ये जीरो हो गया, और ये वाला 2p sin 60 प्लस का होगा, बट ये माइनस का हो जा रहा है 3p sin 60। वैल्यू निकालिए इसकी, तो अब इसकी वैल्यू हो जाएगी, ये हो गया यहाँ पर -2 कट गया, pp कट जाएगा, -3p/2, तो ये 3p/2 आ गया माइनस का। अब y में आ जाइए, x की वैल्यू ये हो गई, y इक्वल टू क्या आ जाएगा 60 यानी √3/2, तो 2 कट गया, माइनस यहाँ पर 3p/3/2, 2 इधर ले आइए, तो 2p√3 में से 3p√3 निकल जाएगा, तो -√3 -p√3 या √3p कह सकते हैं, और अपान में 2, ये बचेगा। अब x और y की दोनों की वैल्यू मिल गई हमें, तो मैं इस जगह कर देता हूँ इसको, अलग से करने की बजाय यहाँ पर, ठीक है। तो फिर r इक्वल टू हो गया रूट के अंदर x² -3p² 3p/2 का होल स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पर भी -√3p, ये रह गया। अब ये 9p² हो गया, ठीक है ना, ये 3p² हो जाएगा, तो 9 3 12 हो गए, 12p² / 4, तो 3p आ जाएगा, मतलब ये बन गया √3p, ये आंसर हो गया, ठीक है ना। तो ऐसा क्वेश्चन कोई भी बन के आए, कोई भी बदला जा सकता है, किसी भी तरीके की कोई चीज़ बदली जा सकती है, ठीक है ना, कोई भी चीज़ बदली जा सकती है, कोई फोर्स बदले जा सकते हैं, कोई एंगल दिया जा सकते हैं, 3 एंगल डिफरेंट डिफरेंट दे दें तब भी वही काम करना है, ठीक है ना, 3 एंगल दे दिए जाए तब भी वही काम करना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब क्वेश्चन में यहां कह रहा है कि दो बलों का महत्तम परिणामी पी है, महत्तम परिणामी पी, तो पी कब बनेगा, महत्तम परिणामी पी है तो पी तो तब हो सकता है ना जब हम p+q/2 रखें, एक बल ये ले लें और दूसरा बल ये ले लें, ये ले लें, ये देखिए, तो q कट जाएगा 2p/2, तो p आ जाएगा,
उसी तरीके से q q में तो p प्लस q अपॉन टू माइनस p माइनस q अपॉन टू ये ले लें तो q आ जाएगा। इसका मतलब एक बल ये है और एक बल ये है, ये दोनों बल है। अब हमें रिजल्टेंट निकालना है तो r इक्वल टू हो गया p प्लस q, ये पहला बल हो गया होल स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर p माइनस q अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू पी प्लस क्यू अपॉन टू इंटू पी माइनस क्यू अपॉन टू इंटू कॉस अल्फा, ये हो गया। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो अब यहाँ पर जगह नहीं, हम लोग दूसरे पेज में चलते हैं अब, ठीक है ना, दूसरे पेज में। तो आर इक्वल टू हो गया पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस प्लस 2 पी क्यू और अपान में 4 प्लस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2 पी क्यू और अपान में 4, इसके बाद प्लस 2 इंटू, ये देखिए यहाँ पर ये 2 2 कट चुका होगा तो केवल एक 2 बचेगा, तो यहाँ पर मैं लिख जरूर दे रहा हूँ एक बार पूरा, पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर 2 इंटू 2 कॉस अल्फा, ये हो जाएगा, एक 2 कैंसिल हुआ, यहाँ पर 4 पूरे में आ जा रहा है, देख लीजिए 2 पी क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये दो सब 2 टाइम्स हो जा रहे हैं, तो ये बचेगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 बचेगा, ये बचेगा उधर जो है प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 कॉस अल्फा बचेगा। अब क्यू वाला माइनस में है और पी वाला प्लस में है, तो अगर आपने पी स्क्वायर बाई 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस कॉस अल्फा होगा, और प्लस क्यू स्क्वायर बाई 2 कॉमन लिया तो 1 माइनस कॉस अल्फा होगा, तो फिर r इक्वल टू आ जाएगा रूट पी स्क्वायर अपॉन 2, 1 प्लस कॉस अल्फा का मतलब 2 कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई 2 2 साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये हो गया, 2 2 कैंसिल हुआ, इधर भी 2 2 कैंसिल हुआ, तो आंसर आ गया इसका पी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस क्यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बाई 2, ये आंसर हो गया इस तरीके से, ठीक है ना, आंसर हो गया ये सी। इसने कहा था ना कि जो है दो बल, ऐसे दो बल हैं कि जिनका मैक्सिमम, तो मैक्सिमम परिणामी पी प्लस की होता है, तो दोनों को इनको ऐड करेंगे तभी पी आएगा, इसीलिए हम इसको F1 मान के चल रहे हैं और इसको F2 मान के चल रहे हैं, वही चीज यहाँ है, ठीक है, सेम वही चीज है। तो जब दोनों को हम रख रहे हैं तो कैलकुलेशन के बाद ये वैल्यू आ जा रही है पास, क्योंकि रिजल्टेंट मैक्सिमम P प्लस की और मिनिमम P माइनस की होता है। अब यहाँ आ जाइए, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो हमने लिखाया है आपको, सेम उसी पर डिपेंड हो गया। तो क्या है यहाँ पर, यदि एक समतल पर 3 संगामी बल संतुलन में है, प्रत्येक बल शेष दो बलों के बीच के कोण के ज्या के समान पाती है, यानी लामीज, लामीज थ्योरम है ये। अब लामीज थ्योरम का प्रतिलोम लिखा है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा समांतर चतुर्भुज, इसका मतलब इसमें ननाप दीजिए, आंसर हो जाएगा किसी भी वस्तु के प्रत्येक कण पर कार्य रहे विपरीत प्रभावशाली बल, पूरे प्रणाली पर कार्य कर रहे बाहरी कार्य कर रहे बाहरी बल होंगे, मतलब द रिवर्स इफेक्टिव फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल ऑफ बॉडी देन एक्सटर्नल, द एक्सटर्नल फोर्सेस ऑफ द सिस्टम आर, कहने का मतलब है कि कोई ये पिंड है, ठीक है ना, इस पिंड पर जो है एक्सटर्नल फोर्सेस लगे हुए हैं और ये पिंड जो है इक्विलिब्रियम में है, जब लगे होंगे तो इक्विलिब्रियम में ही होगा, बस आंसर हो गया, इनका कोई मतलब नहीं। नेक्स्ट पर आ जाइए, अगला क्या कह रहा है इसमें देखिए, कह रहा है एक बिंदु पर लगने वाले 3 बल संतुलन में है प्रत्येक, ये अभी अभी तो आपने पढ़ाई, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो गया लामी थ्योरम। अब ये देखिए पी क्यू आर बी सी सी ए बी भुजाओं के अनुदिश लगे हैं, ठीक है ना, परिणामी त्रिभुज के लंब केंद्र से होके गुजरता है,
अब लंब केंद्र से होकर गुजरता है तो सभी बल आघूर्णों का योग जीरो होगा, मतलब बराबर होने का तो कोई चांस ही नहीं। बराबर वाला तो बिल्कुल काट दीजिए, जब क्वेश्चन में ये कह रहा हो कि सभी बल ए बी बी सी सी ए भुजाओं के सदिश ऑर्डर से लगे हैं, तो एक चीज को तो बिल्कुल भूल जाइए। रिजल्टेंट पर जो कह रहा है कि लंब केंद्र से, परिकेंद्र से, अंतः केंद्र से, केंद्रक से होके जा रहे हुआ ना, परिणामी तो बलाघूर्ण जीरो जाएगा, क्योंकि बल से जा रहा है, बताघूर्ण दूरी हो जा रही है, ठीक है ना। इसका मतलब ये हुआ कि, इसका मतलब ये हो गया कि फिर सभी बलों का बलाघूर्ण मतलब अलजेब्रिक सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो। तो हमने आपको लिखाया था उस समय से। अब बड़ा कंफ्यूजन है यार कि इनमें से कौन सा, दोनों में एक ही चीज लिखी हुई है फिलहाल यहाँ तो, है ना, दोनों में एक ही चीज लिख दिया इसने, ठीक, पी अपान क्यू अपान, लेकिन यहाँ वन है, ठीक है डियर, तो ये वन लिखा हुआ है। तो अब मतलब इतने हिसाब से आप समझ सकते हैं कि यही आंसर हो गया, तुरंत ये आंसर हो गया। अब रही बात इसकी प्रूविंग, तो प्रूविंग इस क्लास में कराने की जरूरत नहीं है, आप इसके पहले वाली क्लास को देख लीजिएगा, सेकंड लेक्चर को, वहां पर प्रूविंग है पूरी उसमें। लेकिन इसको समझने के लिए हमने बताया वन कभी नहीं होता है, जीरो होगा, ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है आपको। अब यहां पर आ जाइए, क्वेश्चन में कह रहा है कि समतल के एक बिंदु पर तीन बल लगे हैं, पी क्यू के मध्य के बीच कोण 150 है, क्यू और आर के बीच 120 है, तो पी क्यू आर का रेशियो क्या होगा। तो हम जब संतुलन की स्थिति में बनाएंगे, क्वेश्चन में कह रहा है कि P और Q के बीच 150 है और Q और R के बीच 120 है, तो ये बना दिया हमने एक बल, दूसरा ये हो गया, ये बन गया, और तीसरा हो जाएगा Q और R के बीच, ठीक है ना, Q और R के बीच 120 है, तो ये P हो गया, ये P है, इस डायरेक्शन में लगे हैं, ठीक है ना, और ये हो गया Q और R के बीच, तो R यहां ड्रा कर देते हैं इसको, ये R हो गया, तो P और Q के बीच 150 है, ठीक है ना, Q और R के बीच है 120, तो ये कितना बच गया, 270 हो गया ये, अब 270 हो गया ये, तो यहाँ 90 बचा, ठीक है ना, क्योंकि 270 ये हो गया, 360 चाहिए हमें, तो 30 और ये, तो ये 90 जैसा दिख तो नहीं रहा है ना, लेकिन मैं बना देता हूँ 90 जैसा, चलिए ये लीजिए, अब दिखने लगेगा ना, 150, 120 और ये हो गया 90, तीनों ये R हो गया, सभी बल आपको मिल गए इसमें से, ठीक है ना, सभी बल जो है इस पॉइंट पर लगे हुए हैं ऊपर, ठीक है ना डियर, सभी बल जो है इस पॉइंट पर लगे हैं, तो लामी के थ्योरम से सीधा सीधा भाई, लामी थ्योरम हमने पहले क्लास में बता रखा है आपको, सोचने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन में, जब भी क्वेश्चन में आ जाता है कि कोई भी तीन बल और उन तीन बलों के बीच का कोण आपको पता है, तो एक ही चीज लगाते हैं संतुलन में होने की अवस्था में, लामी का थ्योरम, बस, तो ये बन जाएगा पी अपान इन दोनों बलों के बीच का कोण, तो साइन 120 हो गया, क्यू अपान साइन 90 हो जाएगा, आर अपान साइन 120 हो जाएगा, 150 हो गया। अब साइन 120 की वैल्यू का मतलब है 90 माइनस 60 यानी साइन 60, तो पी अपान ये साइन 60 बन जाएगा, ये क्यू अपान साइन 90 है ही है साथ में, ये हो जाएगा आर अपान 150 है तो साइन 30 हो जाएगा, ठीक है ना, 180 माइनस करना है, ध्यान रखिएगा, साइन 180 माइनस थीटा जब आप करेंगे तो साइन थीटा ही आता है, पॉजिटिव रहेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो ये रूट 3/2 हो गया,
ये बन गया क्या डियर, पी अपान रूट थ्री बाई टू इक्वल टू क्यू अपान वन हो गया और आर अपान वन बाई टू। ये तीनों रेशियो हो गए पी क्यू आर के, पी रेशियो क्यू रेशियो आर, ये हो गया रूट थ्री बाई टू रेशियो वन, रेशियो वन बाई टू। तो टू का एलसीएम ले लीजिए तो रूट थ्री रेशियो टू रेशियो वन ये आ जाएगा, ये हो जाएगा आंसर रूट थ्री रेशियो टू रेशियो वन। यहाँ पर कोई भी एंगल अगर डिफरेंट देता है, कभी भी कोई भी एंगल डिफरेंट, तो आप ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही करना होगा आपको, ठीक है ना। बस सीधे लामी का थ्योरम लगाना है, सभी का रेशियो निकाल देना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। इसमें कह रहा है कि दो बल P और Q एक परिणामी का एक परिणामी R है और P की दिशा में R का वियोजित भाग Q के बराबर है। तो इसमें देखिए जरा, जब हम रिजल्टेंट लगा रहे हैं, ये हमने बना दिया, इसके बाद इसको आगे बढ़ा दे रहे हैं, ये हो गया ये। अब आपको पता है इस डायरेक्शन में P है, डायरेक्शन में Q है, ये आप A लेट कर रहे हैं, ये B लेट कर रहे हैं, ये C लेट कर रहे हैं, ये D हो गया, ये एंगल अल्फा है और इसका रिजल्टेंट मान लेते हैं हम, ये हो गया, ठीक है ना, ये एंगल। अब ये पूरा एंगल है अल्फा, ये थीटा मान लीजिए, तो ये भी अल्फा हो जाएगा। अब आपको पता है कि ये भी क्यू है, हम बता चुके हैं पूरा डिटेल से सब, ये पूरा यहाँ सोचने की जरूरत नहीं है, पूरा अगर आपने दो वीडियो पहले के देखा है तो पूरा तैयार है आपका। और ये हो गया पी यहाँ पर क्यू का अल्फा, ये हो गया। अब इसका डायरेक्शन इसके अलावा जब निकालेंगे लॉन्ग पी कितना होगा, इसका वियोजित भाग एलॉन्ग पी ए हो गया पी ए और प्लस क्यू कॉस अल्फा, पी प्लस क्यू कॉस अल्फा, ये हो जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये तो क्यू के बराबर है ना, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ये तो क्यू के बराबर है, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू। इसका मतलब है कि P प्लस क्यू कॉस अल्फा इक्वल टू क्यू, तो उधर ट्रांसफर करिए तो P इक्वल टू हो जाएगा क्यू वन माइनस कॉस अल्फा, दूसरी तरफ ले आते हैं तो P अपान क्यू ये हो जाएगा वन माइनस कॉस अल्फा, P अपान क्यू इक्वल टू हो गया टू साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू, तो साइन स्क्वायर अल्फा बाई टू इक्वल टू हो जाएगा P अपान टू क्यू, तो साइन अल्फा बाई टू हो जाएगा रूट P अपान टू क्यू, तो फिर अल्फा अल्फा बाई टू हो जाएगा साइन इनवर्स रूट P अपान टू क्यू, तो अल्फा इक्वल टू टू साइन इनवर्स पी अपान टू क्यू, ये आंसर हो जाएगा। केवल एक ही कॉन्सेप्ट है इसका, ध्यान रखना है। इसने कहा है कि पी और क्यू की दिशा में आर का वियोजित भाग, तो जो है पी यही है, यही आर होगा, यही आर कॉस अल्फा बनेगा और आर कॉस अल्फा इसके इक्वल हो गया पी प्लस क्यू कॉस अल्फा के, बट ये क्यू के इक्वल कह रहा है क्वेश्चन में, तो क्यू के इक्वल कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, ध्यान रखिए, ये आंसर हो गया डियर। नेक्स्ट पर आ जाइए। कह रहा है दो समान बलों का परिणामी उनमें से किसी के बराबर है, यानी तीन बल बराबर हैं पूरे के पूरे, तीनों बल बराबर हैं। तो जब तीनों बल बराबर है तो उनको, तो बलों के बीच का कोण क्या होगा, तीनों जब बल बराबर हैं यार, तो फिर R इक्वल टू भी P है, इक्वल टू Q है, सब तीनों बराबर हो गए, तो फिर सीधे रख दीजिए ना, पी स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस टू पी इंटू पी, जहां पर हमें ये लिखना था आर स्क्वायर इक्वल टू
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा, ये लिखना था मैं, तो वही चीज यहां पर लिख दिए हम। अब आप देख लीजिए पी स्क्वायर है, ये टू पी स्क्वायर, इधर भी टू पी स्क्वायर, इधर भी टू पी स्क्वायर, कॉमन ले लीजिए तो वन प्लस कॉस अल्फा हो जाएगा। पी स्क्वायर कैंसिल हुआ, कॉस अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, वन बाई टू ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस वन बाई टू, तो अल्फा इक्वल टू 120 आ जाएगा। और नॉर्मली नॉर्मली आप समझिए कि जब तीन इक्वल बल होंगे तो फिर तीनों के बीच का कोण कितना होगा, 120, 120, 120। तीनों के बीच का कोण कितना होगा, 120, 120 तीनों के। ये भी 120, ये P है, ये Q है लेकिन ये भी P के इक्वल है, ये R है लेकिन ये भी P के इक्वल है। हो गया डियर, समझ में आ गया ना, बहुत आराम से तुरंत ही निकल आते हैं। देख रहे हैं आप, या तो लामी का थ्योरम यूज हो रहा है और या तो लामी का थ्योरम, या तो फिर क्या यूज कर रहे हैं हम, आर स्क्वायर इक्वल टू ये, या फिर दो दिशाओं में विभाजित भाग, जो आपने दो लेक्चर में पढ़ा है सेम सेम चीज यहां पर आ जाइए। देखिए कह रहा है पी और क्यू एक बल पर लगे हैं, बलों के बीच का कोण थीटा है, बलों के परिणामी आर है, तो वियोजित भाग पी की दिशा में टू पी है, यानी वही क्वेश्चन दे दिया इसने फिर से, जो अभी अभी आपने किया है, अभी अभी जो आपने क्वेश्चन किया है डियर, वही दे दिया इसने। ये देखिए इसने कहा है कि इस दिशा में, इस दिशा में वियोजित भाग ये हो गया क्यू, ये ए है, इधर ये पी है, ये थीटा है, क्वेश्चन में कह रहा है थीटा है, ये थीटा है, दोनों बलों के बीच का कोण थीटा है, इसका रिजल्टेंट, रिजल्टेंट ये है आर, ठीक है ना, ये आर है, ये भी क्यू है, तो ये हो जाएगा क्यू साइन अल्फा साइन थीटा, ठीक है ना, क्यू साइन थीटा, और ये हो जाएगा क्यू कॉस थीटा, ठीक। ये अल्फा मान लीजिए इसको, तो हमें इससे मतलब ही नहीं है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इस दिशा में आर कॉस थीटा ही होगा, आर कॉस अल्फा है ना, यहां पर अल्फा है, ये बनेगा, लेकिन इसने कहा है कि टू पी है, ठीक। तो फिर यहां पर रिजॉल्व पार्ट, रिजॉल्व पार्ट ऑफ आर इन आर अलोंग पी एच पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये होगा पी प्लस क्यू कॉस थीटा, लेकिन ये इक्वल टू टू पी कह रहा है, ये टू पी कह रहा है, तो पी को उधर ले जाइए, तो पी इक्वल टू हो गया, P इक्वल टू हो गया Q cos थीटा, ये आंसर आ गया, P इक्वल टू Q cos थीटा, उसी से बन गया जो अभी ठीक पहले आपने क्वेश्चन किया था, एग्जैक्टली उसी से बन गया ये। नेक्स्ट पर आइए डियर, अब ये देखिए, अब ये सब क्वेश्चन अगर आपको याद रहे तो ज्यादा अच्छा है मेरे हिसाब से, इसीलिए मैंने डेरिवेशन बढ़िया सा पूरा आपको कराया था दोनों लेक्चर में। अगर आप लोगों ने उसको पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़े तो फिर से रिवाइज कर लीजिए आप उसको एक बार। तीन बल पी क्यू आर, बी सी सी ए, बी सी सी ए ए बी पर लगे और उनका परिणामी अंतः केंद्र से होके जाता है। अब अंतः केंद्र के लिए ये तो होता ही नहीं है, नॉट इक्वल टू जीरो तो होता ही नहीं है, ये आंसर हो गया अंतः केंद्र के लिए, ये बन गया। अब रही बात प्रूविंग, अगर आपको ये लगता है कि सर इसका प्रूफ तो नहीं कराया, आप जल्दी से टिक लगा दिए तो सेकंड लेक्चर को देख लीजिएगा जल्दी से, ये लेक्चर थर्ड चल रहा है ठीक, इसके पहले वाला लेक्चर आप देख लीजिए, दोनों लेक्चर देख लीजिए, पूरी डेरिवेशन पूरी आपको सब मिल जाएगी, सब मैंने कराया है उसमें से, ठीक है। अब यहां पर आ जाइए, पी और क्यू का परिणामी आर है,
क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर क्यू को दोगुना कर दिया जाए तो आर भी दोगुना हो जाता है, मतलब हम फार्मूला जानते हैं कि आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू कॉस अल्फा होता है। इस फार्मूले को जरूर आपको याद रखना है, ठीक है ना, जब भी पी क्यू आर परिणामी की बात आएगी। अब इसके बाद क्यू को कह रहा है दोगुना कर दिया जाए तो आर भी दोगुना हो जाता है, तो फिर आर का मतलब टू आर स्क्वायर हो जाएगा, दोगुना हो जाता है अगर क्यू को दोगुना कर दिया जाए, ये हो जाएगा टू इंटू पी इंटू टू क्यू कॉस अल्फा, तो ये बन गया फोर आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस फोर क्यू स्क्वायर प्लस फोर पी क्यू कॉस अल्फा, ये बन गया दूसरा दूसरा इक्वेशन बन गया। अब इसके बाद फिर कह रहा है कि अगर क्यू को विपरीत दिशा कर दी जाए, क्यू की विपरीत दिशा का मतलब है कि कॉस पाई माइनस थीटा कर दिया जाए, पाई माइनस अल्फा, तो माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा, जब विपरीत दिशा हो जाएगी तो पाई माइनस में चला जाएगा तुरंत, तो माइनस कॉस अल्फा हो जाएगा, तब भी जो है ये दूना हो जाता है, ठीक है ना। इसमें पूरा लिखा हुआ है इसलिए मैं पूरा डिटेल से यहां नहीं लिख रहा हूं, या फिर कहिए मैं लिख देता हूं यहां पर, इफ क्यू टेंस टू टू क्यू देन आर टेंस टू टू आर, ये हो गया। यहां पर भी मैं लिख देता हूं, यहां पर भी इफ क्यू टेंस टू माइनस क्यू, डायरेक्शन बदल गया, ठीक है ना, माइनस क्यू डायरेक्शन का मतलब यही है, देन आर टेंस टू टू आर, ये हो जाएगा, तो ये बन गया टू आर का स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस हो जाएगा ये टू पी टू कॉस अल्फा, ये हो गया, ये हो गया इक्वेशन। हमें केवल पी क्यू आर चाहिए, अल्फा को हटा दीजिए, इसलिए पहले आप वन और थ्री को ऐड कर दीजिए, वन थ्री को हमें जिसकी जरूरत है हम वही लेंगे बस इसमें से, फ्रॉम वन प्लस थ्री, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कॉस अल्फा वाला पार्ट, ये फोर आर स्क्वायर होगा, ये स्क्वायर तो फाइव आर स्क्वायर हो जाएगा, ये पी स्क्वायर टू पी स्क्वायर टू क्यू स्क्वायर आ जाएगा। टू पी स्क्वायर टू क्यू स्क्वायर, बाकी वो जीरो हो गया, एक ही क्वेश्चन ये आ गया, थर्ड हो गया, हम इसको मान लेते हैं। फिर अब एक और चाहिए, तो एक के लिए क्या करें, देखिए यहां पर तो फोर है सेकंड में, अगर यहां फोर का मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि माइनस वाले को लेके चलना होगा हर बार माइनस वाले को लेके चलना होगा तभी हम कट कर पाएंगे, तो जैसे यहां पर हम टू का मल्टीप्लाई कर दें तो वो एट आर स्क्वायर हो जाएगा, और यहां टू पी स्क्वायर टू क्यू स्क्वायर बन जाएगा, ये कट चुका होगा, ठीक है ना। इसके बाद फिर आप इसमें से ऐड कर दीजिए इक्वेशन सेकंड में, ठीक, तो वही लिखने जा रहे हैं यहां पर, फ्रॉम थ्री इंटू टू इक्वेशन थ्री इंटू टू प्लस टू, जब ऐड करेंगे तो ये बनेगा, ये देखिए टू का ऐड किया तो एट आर स्क्वायर हुआ, और आठ चार बारह हो गया, ये तो ट्वेल्व आर स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, यहाँ देखिए ये टू पी स्क्वायर और ये पी स्क्वायर, तो थ्री पी स्क्वायर हो जाएगा, और ये सिक्स हो जाएगा, सिक्स क्यू स्क्वायर, ठीक है ना, थ्री पी स्क्वायर प्लस सिक्स क्यू स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा और ऐड कर दीजिए, सिक्स आर स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर हो गया प्लस टू पी स्क्वायर हो गया, तीन से डिवाइड कर रहे हैं ना इसको, तो फोर आर स्क्वायर, फोर आर स्क्वायर टू पी स्क्वायर टू क्यू स्क्वायर, तीन दूनी छः, तीन चौक बारह, ये हो गया एक इक्वेशन फाइव। अब इन दोनों को सॉल्व करिए बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, टू पी स्क्वायर प्लस टू क्यू स्क्वायर माइनस फाइव आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, दूसरा पी स्क्वायर प्लस टू क्यू स्क्वायर माइनस फोर आर स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इसमें क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लगाना है, तो पी स्क्वायर, जब पी स्क्वायर लेंगे तो पहले ही हो जाएगा, तो चार दूनी आठ माइनस एट हो जाएगा,
कि 5 × 10 माइनस का 10 तो प्लस 10 हो जाएगा, क्यू स्क्वायर में आ जाइए। साइक्लिक लेना है हमें तो आगे से हम लेंगे, माइनस 5 ये हो जाएगा, 4 × 2 = 8 प्लस का हो जाएगा इक्वल टू आर स्क्वायर। अब ये लेंगे 2 × 2 = 4 माइनस 2 तो पी स्क्वायर अपॉन 2 हो गया, क्यू स्क्वायर अपॉन 3 हो गया, आर स्क्वायर अपॉन 2 हो गया तो पी अपॉन रूट 2 हो गया, क्यू अपॉन रूट 3 हो गया, आर अपॉन रूट 2 हो गया, ये आंसर आ गया। ठीक है ना, ये रहा, ये दो बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये दो बार पूछा जा चुका है ऐसे क्वेश्चन। रेशियो कुछ यहाँ कर देगा, कुछ भी बदल सकता है, पी को दोगुना कर दे, ठीक है ना, फिर क्यू को दोगुना कर दे, आर को दोगुना कर दे, या आर सेम रहता है, ऐसा कुछ भी कंडीशन दे दे। तो आप पहले रिजल्टेंट का फार्मूला लिखेंगे, उसमें एक इक्वेशन वो बन गया, उसी के कंडीशन में फिर दोबारा यूज करेंगे और इन तीनों इक्वेशन को लेकर के आपको अल्फा को इलिमिनेट करना है। जब वो हट जाए तो इसके बाद फिर सीधा सीधा आंसर बनेगा आपका, ठीक है ना डियर। सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अब ये देखिए, अब फिर से वही क्वेश्चन आ गया जो आप प्रीवियस में कर चुके हैं पहले क्लास में। 3 बल पी क्यू आर त्रिभुज की बी सी सी ए बी दिशाओं में कार्यरत है, परिणामी केंद्रक से होके जाता है। अब केंद्रक से होके जाता है तो केंद्रक से होके जाने के लिए क्या कंडीशन है? केंद्रक से हो करके जाता है ना, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकता, सम जीरो होगा वही चलेगा, ये तो हो ही नहीं सकता। सीधा सा आंसर हो गया। प्रूविंग के लिए आपको इसके पहले वाली क्लास देखनी होगी, ये सब एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। अगर आपने प्रूविंग देख रखा है और याद रख रहे हैं तो मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि 12 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आने हैं स्टैटिक डायनामिक्स के, पूरे सही होंगे और जल्दी होंगे, गलत नहीं होगा उनमें से कुछ भी। हाँ, बस ये है कि वो सभी लेक्चर आप लोगों को देखने होंगे, लेक्चर छोड़ेंगे तो फिर ये फिर आप समझ सकते हैं कि उसका नुकसान क्या होगा। अगर आता है तो छोड़ सकते हैं, नहीं आ रहा है तो फिर तो देखना ही होगा ना यार, फिर तैयार करिए। और जब हमारे पास जब जो है 3 लेक्चर में वो वाला टॉपिक बढ़िया से तैयार हो रहा हो तो कर ही लेना चाहिए। फिर चाहे जितने क्वेश्चन दिए जाए इन्हीं में से होंगे। सामने क्वेश्चन रख लीजिए और सॉल्व कर लीजिए आप, कॉन्सेप्ट रख लीजिए सॉल्व कर लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। 3 बल एक बिंदु पर कार्यरत है, साम्य अवस्था में है। ये देखिए कितनी बार ये पूछा जा चुका है, कई बार, और फिर ना जाए इस बार, समझ रहे ना, फिर इस बार आ सकता है। ट्रायंगल का जान ही रहे आप, जब त्रिभुज के नियम का मतलब है कि जब 3 बल त्रिभुज के भुजाओं के अनुदिश लगे होते हैं, ठीक है ना, तो फिर उन सभी बलों का परिणामी क्या होता है? जीरो होता है। ये मतलब है, पैरेललोग्राम का हम बता ही चुके हैं आपको, क्या निकाल के आता है? आर स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस अल्फा, ये आता है। लामी का पढ़ ही चुके हैं आप। ट्रिग्नोमेट्री का थ्योरम का मतलब कौन सा है? लिम्डा म्यू थ्योरम, ये हम आपको बता ही चुके हैं, ठीक है ना। सभी थ्योरम सामने लिख दिया मैंने, लामी का भी अभी आप कर ही रहे हैं बार बार। ये देखिए, अब फिर इसने कहा है कि परिणामी त्रिभुज के परिवृत्त के केंद्र से होके जाता है ना, केंद्र से। तो टैन वाला तो बिल्कुल नहीं है, साइन वाला बिल्कुल नहीं है, इन दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि अब वही लिखा हुआ है, अब वही लिखा है डियर, ठीक है ना। अब कंफ्यूजन हो सकता है यार कि पी सेक था कि पी कास था, है ना। मान के चलिए कि थोड़ी देर के लिए कंफ्यूजन हो ही गया, पहली बात तो याद रहे तो बेहतर है, लेकिन अगर कहीं भूल गए आप तब फिर आप कैसे करेंगे। तो परिणामी अगर कह रहा है कि परिवृत्त के केंद्र से जाता है ना, तो फिर बहुत जल्दी से फिर आपको करना होगा, अगर निकालना है तो फिर जल्दी से करना होगा, तो वो भी बता दे रहा हूं मैं। ये हो गया, अब यहां पर आपने ट्रायंगल बना दिया, ठीक। ये जल्दी वाला तरीका भी बता देता हूं, सब में भी हमने बताया है, ये तो रिवीजन है एक तरीके का फिर से। तो ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है ना। इस डायरेक्शन में क्या लगा हुआ है? पी लगा है। इस डायरेक्शन में क्यू लगा है। इस डायरेक्शन में आर लगा है। और ये भुजा भी ए है, ए के सामने ये सेंटर है इसका। तो इस सेंटर से अब डायग्राम बनाने में इतना समय तो लग ही जाएगा यार, वो तो लगने लगना। ये परपेंडिकुलर लेंथ चाहिए हमें, ये चाहिए, ये ओ है, ओ एम चाहिए। तो ये आर होगा, ये आर होगा, ठीक है ना।
और ये एंगल ए है, हमें ये लेंथ चाहिए, ये पता है हमें कि ए बाई टू है ये, ठीक है ना, ये ए होता है ऊपर वाला। इसका मतलब ये हुआ कि साइन ए इक्वल टू ए बाई टू आर, ये हो जाएगा ए बाई टू आर, ठीक है ना। लेकिन हमें चाहिए क्या भाई, हमें तो ओ एम चाहिए, तो हमने अभी उसका तो यूज ही नहीं किया है ना, तो इसको फिर क्यों लें भाई, हमें ये वाला चाहिए, ये पार्ट ओ एम इक्वल टू, तो साइन ए बल्कि क्या बन रहा है यहाँ पर, बेस और इसमें, ठीक है ना, बेस टेन ए इक्वल टू हो गया, टेन ए इक्वल टू ये है परपेंडिकुलर और ये बेस, ए अपान टू ओ एम, ये आ गया ओ एम इक्वल टू आ गया ए अपान टू अपान टेन ए आ जाएगा, तो कॉट ए हो जाएगा। एक ही जगह पर रख दीजिए के साइन ए आर साइन ए, तो ओ एम इक्वल टू हो गया आर साइन ए, ये लिख सकते हैं आप, ठीक है ना, जैसे अभी पहले बता रहे थे, और अपान में टू और कॉस ए अपान में साइन ए, साइन ए साइन ए कट गया, अब ये वैल्यू कॉमन हो जाएगी, तो पी कॉस ए बचेगा। ये डियर आंसर हो गया, ये नहीं होगा। इस तरीके से एक चीज आपको समझ लेना होगा, बस एक निकाल लीजिए आप, आर बाई टू कॉस ए निकाल लिया आपने, अब इससे समझ में आ जाना चाहिए आपको कि आर बाई टू कॉस ए आया है ना, आर बाई टू कॉस ए पी इन टू प्लस दूसरा होगा क्यू इन टू आर बाई टू कॉस बी, ये सब पूरा लिखना तो है नहीं वहां पर, ठीक है ना, आर बाई टू कॉस सी और इक्वल टू जीरो। तो एक चीज और कर देता हूँ मैं जरा, यहाँ पर आप आर वन मान लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि दोनों में सेम हो जा रहा है, तो आर वन आर वन आर वन या आर डैश, तो अब ये तो पूरे में कॉमन चला जाएगा, ये तो जीरो हो नहीं सकता, ये नहीं जीरो होगा, पूरे में कॉमन है, बाकी तो बदला हुआ है, तो फिर ये आ गया पी कॉस ए प्लस क्यू कॉस सी प्लस आर कॉस सी इक्वल टू जीरो, या फिर पी से के, ये बदल करके पूछे जा सकते हैं, इसके लिए आप तैयार रहें मेंटली, समझ रहे ना, अगर कोई बदल करके आता है क्वेश्चन तब भी आप कर सकें, है ना, इसीलिए हर कॉन्सेप्ट को जब पढ़िए तो उससे और कितनी चीजें जो है बदल सकती हैं उन पर भी फोकस जरूर कर लीजिए आप, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जरा, क्वेश्चन में कह रहा है कि पी न्यूटन थ्री न्यूटन सेवन न्यूटन का बल यदि थ्री एन की दिशा विपरीत कर दी जाए तो परिणामी इतना हो जाता है, तो पी का मान क्या होगा, तो उसी फार्मूले का यूज कर दीजिए आप जो अभी अभी आप पढ़ चुके हैं बार बार, हमने कहा नहीं कि बहुत भयंकर तरीके से यूज होते हैं ये, पी क्यू कॉस अल्फा, ठीक है ना, इसमें से ये लिखा है, ये इक्वेशन वन हो गया, अब क्वेश्चन में वैल्यू रख दीजिए, तो आर स्क्वायर कितना है सेवन, सेवन स्क्वायर है, ये पी स्क्वायर है, क्यू का मतलब थ्री स्क्वायर हो गया, तो इधर हो जाएगा टू इंटू पी इंटू पी और पी ये थ्री हो गया कॉस अल्फा, ये बन गया दूसरा। फिर कह रहा है कि अगर थ्री एन यानी कि क्यू की दिशा विपरीत कर दी जाए, इफ क्यू टेंस टू माइनस क्यू, तो ये 19 आ जाएगा, मतलब रूट 19 का स्क्वायर हो जाएगा, ये पी स्क्वायर ही रहेगा, ये थ्री स्क्वायर ही रहेगा, ये माइनस टू पी इंटू थ्री कॉस अल्फा हो जाएगा, ये दूसरा हो गया। तो P की वैल्यू पूछ रहा है इसमें से, तो यहां पर ये देख लीजिए, अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, फ्रॉम 2 प्लस 3, ये 3 है, ठीक है ना, तो जब ऐड करेंगे तो 19 और 49 हो जाएगा, ठीक है ना, तो ये हो गया जो है 50 20 70, और 70 में ही 2 कम कर दीजिए तो 68 आ गया, ये 68 हो गया, ये 2p स्क्वायर हो जाएगा और ये 9918 आ गया, बाकी ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो फिर 2p स्क्वायर इक्वल टू आ गया, 68 कम कर दीजिए 50 आ जाएगा, तो p स्क्वायर इक्वल टू 25, तो p की वैल्यू 5 आ गई, p की वैल्यू 5 न्यूटन, ये आंसर हो जाएगा।
तो जब भी ये तीन बल दिए होंगे आपको कभी भी, तो जैसे ही तीन बल आपको मिलेंगे तो एक ही चीज आपको यूज करना है हर बार, रिजल्टेंट आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस टू पी क्यू का आंसर, हमेशा यही यूज करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए जरा, एक कंपाउंड लगे तीन बल संतुलन में और एक दूसरे से समकोण बनाते हैं, तीन बल संतुलन में भी हैं और एक दूसरे से, उनमें से दो बल एक दूसरे से 90 डिग्री बनाते हैं और एक बल, एक का बल दूसरे से दो गुना है और तीसरे का मापांक 10 न्यूटन है। मतलब ये कि P इक्वल टू P है तो Q इक्वल टू 2P हो गया, ये हो जाएगा 2P, ये हो जाएगा, और R इक्वल टू कितना है 10 है तीसरे बल का, ये 10 न्यूटन होगा। तो अन्य दो बलों का क्या होगा, दो बल एक दूसरे से 90 डिग्री बना रहे हैं, तो जब 90 डिग्री बना रहे हैं यार तो फिर एक ही फार्मूला होना चाहिए ना, फिर cos अल्फा 90 हो जाएगा, cos अल्फा इक्वल टू cos 90, तो ये तो जीरो हो जाएगा, तो फिर केवल क्या बचेगा, आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, तो आर स्क्वायर इक्वल टू मतलब हुआ 10 का स्क्वायर और ये पी स्क्वायर हो जाएगा और ये 2p का स्क्वायर हो जाएगा, ये 5p स्क्वायर हो गया, 5p स्क्वायर इक्वल टू 100, तो p स्क्वायर इक्वल टू 20, p स्क्वायर इक्वल टू 20 आ गया, इसका मतलब है कि p इक्वल टू रूट 20, तो दूसरा हो जाएगा q इक्वल टू 2√20, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा क्यों, क्वेश्चन में बोल दिया उसने कि एक बल p है, दूसरा q है, तीसरा 10 है, तो फिर इसका मतलब ये कि अगर ये कंडीशन है दोनों बलों के बीच 90 होता है तो आर स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ही होता है हमेशा, दूसरा कुछ होता ही नहीं है, उस फार्मूले को लगाएंगे तो तुरंत दोनों बल आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाइए। अब यहां क्वेश्चन में कह रहा है कि दो बलों एफ1 प्लस एफ2 है और एफ1 माइनस एफ2, प्रत्येक का परिमाण वही है, ठीक है ना, तो उनके बीच का कोण क्या होगा, तो फिर आर स्क्वायर, ये देखिए ये मैक्सिमम वैल्यू है और ये मिनिमम वैल्यू हो गई, तो परिणाम परिमाण वही है उसका सभी का, ठीक है ना। तो जब हम प्रत्येक का परिमाण यही है दोनों में से इनमें, तो दोनों बलों के बीच का, तो चलिए भाई लगा दीजिए फार्मूला, रूट एफ वन प्लस एफ टू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया एफ वन माइनस एफ टू एफ वन प्लस एफ टू का होल स्क्वायर, प्लस एफ वन माइनस एफ टू का होल स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ वन प्लस एफ टू इंटू एफ वन माइनस एफ टू कॉस अल्फा, ये हो गया डियर, ये हो जाएगा एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर, ये एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ वन एफ टू ट्वाइस एफ वन एफ टू और प्लस एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर माइनस टू एफ वन एफ टू, इसके बाद फिर ये ट्वाइस एफ वन स्क्वायर माइनस एफ टू स्क्वायर कॉस अल्फा, ये हो गया। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, ये ट्वाइस एफ वन एफ टू स्क्वायर हो गए, ठीक है ना। तो अब मैं दूसरी तरफ लिख लेता हूँ, एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर इक्वल टू ट्वाइस एफ वन स्क्वायर प्लस ट्वाइस एफ टू स्क्वायर, ये हो गया। और
उधर है ट्वाइस एफ वन स्क्वायर एफ टू स्क्वायर कॉस अल्फा, ठीक, तो वो भी लिख देता हूँ मैं, प्लस ट्वाइस एफ वन स्क्वायर माइनस एफ टू स्क्वायर कॉस अल्फा, ये हमें निकालना है। अब क्या करें आप, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दो बल ये हैं, एक बल ये और एक बल ये, प्रत्येक का परिमाण वही है, ठीक है ना। क्वेश्चन में कह रहा है मैग्नीट्यूड ये है, ठीक है ना, तो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आपने रखा, इसका स्क्वायर ये और उसका स्क्वायर ये, ठीक, और दूसरे में दोनों का इनटू करके लाएंगे, ठीक है ना, ये हमने रिजल्टेंट यहाँ पर रखा हुआ है, ठीक है ना, ये इसमें हमने रिजल्टेंट यहाँ पर रख दिया है। तो अगर हम रिजल्टेंट यहाँ रखेंगे, क्योंकि तो इसने परिणामी नहीं कहा, परिमाण कहा हुआ है कि दो बल हैं और दोनों बलों का परिमाण इतना है, तो दोनों बलों के बीच का कोण कितना होगा, तो परिणामी कुछ तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि तो डायरेक्ट फिर कैसे लगाएंगे। चलिए तो यहाँ पर ये, अब ये कंडीशन दिख रही है, तो अगर इसको हम इधर ले आए या फिर उसको इधर ले आते हैं, तो माइनस टू एफ वन स्क्वायर माइनस एफ टू स्क्वायर कॉस अल्फा, इसको इधर लाएंगे तो एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर, ये बच गया। अब इसमें ये चीज थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, कॉमन लेना थोड़ा सा मुश्किल दिख रहा है इसमें, एंगल बिटवीन एफ वन और एफ टू पूछ रहा है इसमें से, एफ वन और एफ टू, तो ये मैक्सिमम वैल्यू है, एफ वन और एफ टू के बीच के एंगल पूछ रहा है डियर इसमें, है ना, इन दोनों के नहीं। तो एफ वन और एफ टू अगर दो बल हैं तो उनका मैक्सिमम वैल्यू ये होगी और मिनिमम वैल्यू ये हो जा रही है, मिनिमम वैल्यू ये हो जा रही है और मैक्सिमम वैल्यू ये होगी। अब ये मैक्सिमम वैल्यू होगी अगर, इसका मतलब है कि 90 डिग्री बन गया ये, तो ठीक है ना, ये वाला जो है हमने रिजल्टेंट से लगाया है, इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हटा दीजिए, सॉरी, क्योंकि रिजल्टेंट दिया होता तो फिर हम इसका यूज करते, ठीक है ना, रिजल्टेंट नहीं है तो इसमें इसकी ज़रूरत ही नहीं। एफ वन और एफ टू के बीच का हमें निकालना, ठीक है ना, हमें यहाँ पर निकालना है कि एफ वन और एफ टू के बीच की वैल्यू क्या होगी, एंगल क्या होगा, जिनमें से दो बलों, एक बल ये और दूसरा बल ये, इनका प्रत्येक का परिमाण ये दिया हुआ है, तो ये रिजल्टेंट है, ठीक है ना। तो जब आर मैक्सिमम होता है तब हम क्या लिखते हैं, एफ वन प्लस एफ टू, ये हो जाएगा। जब आर मिनिमम होगा तब एफ वन माइनस एफ टू हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये दोनों, तो मैक्सिमम और मिनिमम में ये दोनों वैल्यू दी हुई हैं, ठीक है ना, जस्ट अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है, और एंगल बनेगा फिर इसमें, तो ये तो मैक्सिमम और मिनिमम की बात हो गई। तो यहाँ पर एफ वन और एफ टू के बीच हमें एंगल निकालना है, एफ वन और एफ टू के बीच में एंगल निकालना है, तो रिजल्टेंट ये हो गया कौन सा, रूट एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस टू एफ वन एफ टू और कॉस थीटा, ये हो गया डियर। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो एफ वन स्क्वायर एफ टू स्क्वायर और ये बनेगा इक्वल टू एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर, क्योंकि इन दोनों के बीच का ही एंगल हमें निकालना है, एफ वन एफ टू कॉस थीटा, तो ये तो कैंसिल हो गया दोनों, तो फिर ये जब इधर लाएंगे तो जीरो हो गया, तो टू एफ वन एफ टू कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, ये हो जाएगा, ठीक ना, तो फिर कॉस थीटा इक्वल टू जीरो, इसका मतलब थीटा इक्वल टू 90।
ठीक है डियर, वो रिजल्टेंट नहीं रखना है क्योंकि एफ वन एफ टू के बीच पूछ रहा था, हमने सोचा इसके बीच पूछ रहा है, लेकिन यहाँ तो एफ वन एफ टू लिखा हुआ है, देखिए एफ वन एफ टू के बीच एंगल हमें निकालना है इसमें से। ठीक, यहाँ पर आ जाइए। अब इसमें कह रहा पी क्यू आर एक समबाहु त्रिभुज है, तो ये तो डायरेक्टली ऐसे कह दे रहा है कि समबाहु त्रिभुज है, ये ऐसे बन गया। 90 डिग्री भी कह रहा है, शीर्ष आर शीर्ष पर समकोण है, ठीक है ना। तो यहां पर ये हो गया पी क्यू आर, पी क्यू आर ये 90 है, तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, पी आर स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू, हाँ सीधे सीधे पाइथागोरस लगाना है, पी क्यू स्क्वायर पाइथागोरस तो यूज होते रहता है, पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर, लेकिन पी आर इक्वल टू कितना है, क्यू आर है, तो फिर पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ये क्वेश्चन में कोई दम ही नहीं है, ठीक है ना, जिसमें लिखा हो बस उसी में कर दीजिए, पी क्यू स्क्वायर इक्वल टू टू पी आर स्क्वायर, ये आंसर हो गया तुरंत ही। अब देखिए ये एक क्वेश्चन है जिसमें से पी क्यू आर का रेशियो था, अभी कुछ देर पहले क्वेश्चन ये रिपीट होकर के फिर से आया है, लेकिन कहने का तरीका इसने बदल दिया है कि ये रूट टू है, ये रूट थ्री है और ये रूट टू होता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एक्स लिखा है, इसका मतलब है कि एक्स इक्वल टू रूट टू हो गया, तो अगर आपने क्वेश्चन को किया होगा तो ये तुरंत हो जाता है उसमें से, ठीक है ना डियर। इसके बाद यहाँ पर इस क्वेश्चन को देखिए, ये वन न्यूटन है, ये टू न्यूटन है, थ्री न्यूटन है, दिशाएं क्रम से लें समबाहु त्रिभुज के समांतर, ठीक है ना, समांतर समबाहु त्रिभुज के, तो उनका परिणामी का परिमाण क्या होगा, इस क्वेश्चन को आप बहुत जल्दी से कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा वन न्यूटन टू न्यूटन थ्री न्यूटन है, तो आर स्क्वायर का फार्मूला, लेकिन एंगल ध्यान रखिएगा क्या है, तो ये अब आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है ना। एक क्वेश्चन ये दे रहे हम आपको, और एक डियर ये है, ये पैरेलल लगा हुआ है, इसमें भी हम समझा देते हैं क्या क्वेश्चन में कह रहा है, इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि समांतर बल ऐसे लगे हैं, यहां पर एक बल यहां लगा है, देखिए एक बल यहां पर है, इस जगह पर है, इसका रिजल्टेंट यहां है, ये क्यू यहां पर है। अब समझिए जरा, यहां पर पी है, यहां पर आर है, तो आर इक्वल टू पी प्लस क्यू हो जाएगा, और यहाँ क्यू है, ये है ए, ये है सी, ये बी, अब पी को थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया जाता है, पी को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, यहाँ आ गया पी, यहाँ पर आ गया, यानी ए डैश में आ गया, तो जब इसको बढ़ाया गया तो ये भी बढ़ जाएगा, ये यहाँ पर पहुँच गया, ठीक है ना, यहाँ पहुँच गया सी डैश पर, तो ये दूरी आपको निकालनी है, ये वाई निकालना है, ये क्या होगा, और ये दूरी आप मान के चलिए कि एक्स बढ़ा दिया गया, क्वेश्चन में कह रहा है, तो हमने आप लोगों को लिखाया भी ये फार्मूला कि जब बल समांतर लगे हो, ठीक है ना, किसी भी पर किसी भी रेखा पर समांतर लगे हो, तो एक बल शेष बलों के, ठीक है ना, जैसे ए है, ये पी लगा हुआ है, तो पी के बाद बी सी बाकी दो, प्रत्येक बल शेष दो बलों की भुज जो है दूरी के अनुपात में होगा, प्रत्येक बल शेष दो बलों के दूरी के प्रोपोर्शनल होगा, समानुपाती होगा ये कह सकते हैं। तो ये देखिए पी लिया तो फिर बी सी लेंगे, अब इसके बाद आर लीजिए या क्यू ले लीजिए, तो क्यू ले रहे हैं आप, तो जब क्यू लेंगे तो फिर ए सी लेना होगा, आर लेंगे आप तो ए बी लेना होगा, एक ही क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है ना। दूसरा, जब आप इसको एक्सटेंड कर दे रहे हैं तब क्या होगा, पी यहां पर आ गया तो अब आपको लेना होगा, आर यहां पर आ चुका है, अब आर यहां पर है, तो बी सी डैश लेना होगा, बी सी डैश, जब क्यू लेंगे आप, क्यू उसी जगह पर है लेकिन आर यहां पर आ गया है, ए डैश सी डैश लेंगे, क्योंकि पी भी खिसक गया है और आर भी खिसक गया, ए डैश सी डैश लेंगे इक्वल टू आर अपान जब लेंगे तो फिर ए डैश बी लेंगे आप,
ये दो इक्वेशन हो गए। अब आपको सी सी डैश निकालना है, तो सी सी डैश के लिए आपको क्या करना है, ए सी डैश आपको मालूम हो जाए, ए सी डैश सी सी डैश निकालने के लिए ए सी डैश मालूम हो जाए और ए डैश, ठीक है ना, इसके बाद आप जो है ए सी को माइनस कर दीजिए। ये देखिए ए सी को माइनस करेंगे तो ये बचेगा, ए सी डैश में ए सी को माइनस, बस अब आपको कर लेना है, ठीक है ना डियर। तो ये पूरे क्वेश्चन थे हमने, जो उससे रिलेटेड क्वेश्चन थे वो सभी हमने आज आपको करा दिया है। ये तीनों लेक्चर को बहुत अच्छी तरीके गंभीरता से आप एक एक करके पूरा देख लीजिएगा तो ये टॉपिक आपको परफेक्ट हो जाएगा, चाहे जितने नए क्वेश्चन आएंगे सब कर लेंगे, रिलेशन यही होगा, सब कुछ कॉन्सेप्ट यही लगेगा, ठीक है ना डियर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।